हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत मामू की शेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं शाम के टाइम में कुछ खाने के लिए बना रही हूँ और नवरात्र के टाइम समझ में नहीं आता, बाहर तो खाना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ प्याज लहसुन के चलते, और जो बिना प्याज लहसुन का मिलता है वो फिर इतना टेस्ट होता नहीं है बाहर में। और यहाँ पर मैं मतलब ऐसा चीज़ बना रही हूँ जो हेल्दी हो, तो सोयाबीन और पास्ता मिक्स करके मैं आज पास्ता बना रही हूँ जो कि बहुत टेस्टी होता है। एक तो प्रोटीन भी रहेगा और कभी मैं पनीर भी डाल के बनाती हूँ, सच में बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी का हेल्दी भी रहता है। और ये जो पास्ता है आपका सूजी का पास्ता है, मैक्रोनी है, तो मैं इसमें बस कैप्सिकम डाली हूँ और गाजर डाली हूँ और कुछ भी नहीं, और सोयाबीन और पास्ता को अच्छे से फ्राई कर ली। पहले तो सोयाबीन को बॉयल कर ली थी, बॉयल करने के बाद सब मिक्स कर फ्राई की। बस इसमें हल्का सा टमेटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस डालूंगी और कुछ भी नहीं डालूंगी, और उसके बाद से अच्छे से फ्राई कर लूँगी। चिली फ्लेक्स आप डाल सकते हैं, ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, या फिर कोई और मसाला चाहे तो आप डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर डाल दीजिएगा जिससे बहुत टेस्टी होता है। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी बिकॉज बेटी को भी खाना ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा तो फिर वो नहीं खा पाएगी, वो ज़्यादा झाल नहीं खा रही। मैं ऐसे झाल देती हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं देती, अवॉइड करती हूँ, ऐसा नहीं देती हूँ मैं, बट एक्सेस होने से वो नहीं खा पाती है, फिर ज़्यादा उसको लगता है। तो बस मैं सब कुछ डाल दी और उसको अच्छे से फ्राई करके मैं निकाल ली। देखिए हम लोग का पास्ता यहाँ पे रेडी हो गया। उसके बाद चाची जी आई हुई है, वो मतलब छोटी वाली बेटी को ले जाने के लिए कन्या पूजन में, तो वहाँ पे फिर बाबू भी रेडी हो गया, मन्नत भी गया है, तो फिर माँ बोले कि तुम भी चलो, अकेले जाएगा तो मतलब बदमाशी करो, फिर बाबू हैंडल भी नहीं होगी, रोने लगेगी बहुत। तो यहाँ पे मैं बाबू और छोटी बेटी और मन्नत दोनों को लेके आई हूँ। तो यहाँ पे चाची जी पता नहीं एक दिन पहले इसको बुला ली कन्या पूजन कराने के लिए, अब रीज़न मुझे नहीं पता क्या रीज़न है। ऐसे हम लोग तो कन्या पूजन मतलब चाची जी भी और हम लोग आपका प्रॉपर नाम है और करा रही है, ऐसे तो कल आए के खा भी तो पाएगी नहीं, तो अभी अनप्राशन तो हुआ नहीं कि जो खा पाएगी। तो बस यहाँ पे कन्या पूजन और कपड़ा और मधु से मधु चटा देगी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे फ्रॉक पहनाया जा रहा है और बहुत रोने लग जाती है बच्चा, मतलब बच्चा लोग होता है कोई कोई कपड़ा पहनने से रोने लग जाता है, तो वही रोने लग जाती है कपड़ा पहनने से। पहले चाची जी चाचा जी का घर बहुत दूर था, बहुत दूर मतलब जाने का सोचना पड़ता था, बट अब एकदम पास में बस उतरो और घर है, तो अब इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और बाबू यहाँ पे बहुत मुश्किल से मैं बाबू को पटाई हूँ, मुझे लग रहा है शायद इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो फैन के नीचे रखी थी तो थोड़ा शांत हो गई, तो गोद में लेके मैं बैठी हूँ। तो यहाँ पे कन्या पूजन करवा रही है अपना। रोए लगी फिर। क्या करो था बाबू करा के खाली उछलूंग छह महीना हो गए, बाकी खाली मुंह पोछ दे, बस हो गया, 6 महीना नहीं करना है। ना आई रसगुल्ला दे, अकिए मत के मत, वो तो फोटो देखा, फोटो देख सही फोटो ले रहे क्या, रसगुल्ला रसगुल्ला अटैक करेगी, रसगुल्ला आई देखा, लल्ला होता चलो, लल्ला होता चलो, आओ तारे का, आओ तारे का, लड्डू पसंद है इसको, हम तो चल रहे लड्डू पसंद है।
अद्भुत फोटो एलो अद्भुत अद्भुत मम्मी के एकदम सच्चा जगदम्बा है बेटा हाथ बढ़ा दो बच्चा अरे उनका क्या बना लोगे गोपाल जी के हो गया एक और जितना ऐसे अच्छा याद आती है इसे बने इसका हाँ वैसे बहुत सुंदर लग रहा है लाइट अच्छी ना लग रहा है आपने दिया हाथ में शिफ्ट करो तो बच्चा शिफ्ट करो ओम या देवी सर्वतेसु महालक्ष्मी रूपेण सकला नमस्ते गोल लगा है ना मुड़ी पटक के गोल लगा हाथ निकाल हमारा ड्यूटी लगा चले भैया नाते जगदम्बा कलर दिख रही है दीदी के साथ आना ठीक है कल पूजा होगा तो कल फिर और मैं कल के ब्लॉग में बताई थी कि शाम को कीर्तन होगा और ये आपका 8 डे का ही ये ब्लॉग चल रहा है एट मतलब अष्टमी का ही चल रहा है नौमी का मैं आज नहीं डाल पाऊंगा बिकॉज ये बच गया था बहुत लंबा हो जाता तो यहाँ पे ये पंडित जी ये हवन करवा रहे हैं अब ये हवन मतलब ये हवन आपका वो हॉर्न नहीं है जो कन्या पूजन के बाद कराया जाता है ये अष्टमी वाले दिन के हवन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हवन तो यहाँ पे बस शाम के टाइम में कीर्तन कर रहा हूँ Jalala 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 jal
और ये भी अष्टमी वाले दिन का है, तो भजन कीर्तन होने के बाद मैं यहाँ पे निकल रही हूँ। रात का 11:30 बज रहा है, मतलब एक्जैक्ट टाइम, मतलब प्रॉपर टाइम मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे बस हम लोग पूजा घूमने निकल रहे हैं। तो मतलब पूजा घूमने हम लोग इसके पहले तो निकले नहीं थे, आप देखे थे, बस ऐसे राउंड मार के चली आई थी, एक पूजा पंडाल में ही गई थी। तो यहाँ पे हम लोग सोचा थोड़ा सा घूम लिया जाए, और ज़्यादा घूम तो नहीं पाएंगे बिकॉज कल नौमी है, तो बहुत सारा काम है, कन्या पूजन का भोग वगैरह बनाना, खाना वगैरह बनाना, बहुत सारा काम का प्रेशर है। तो इतना ज़्यादा घूमूंगी तो फिर टायर्ड हो जाऊँगे, तो फिर जल्दी ही सुबह नींद नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे बस जो मेन है कुछ कुछ पंडाल जो हम लोग घूम लेते हैं। और ये देखिए ये पंडाल बना, तो बाहर से लग रहा है कितना सिंपल, जो कि हम लोग को भी लगा बहुत सिंपल है, बट अंदर जाके इतना अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये बहुत अच्छा, आप लोग देख के समझ गए होंगे किस पे बनाया गया है, क्या थीम है आपका ये। तो सच में ये थीम अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा थीम है। और जो बंगाल के नहीं हैं तो वो मेरे साथ में मेरा ब्लॉग देख के बंगाल का पूजा का एंजॉय कीजिए, अच्छे से देखिए किस टाइप का पूजा हम लोग के यहाँ होता है। और भी है बहुत सारा पंडाल जो कि मैं बाद में शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। तो यहाँ का मतलब जो थीम होता है वो सबसे मतलब अच्छा थीम, बेस्ट थीम होता है। तो जो आप कल जो रेप का केस जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो कलकत्ता वगैरह में केस हुआ, वो सब पे ये आपका बनाया गया उस थीम पे है। तो बहुत ही अच्छा थीम है, कोई भी चीज़ मतलब आपका सीखने वाला हो तो उस पे कोई भी चीज़ बनाना बेस्ट होता है। अब ऐसे ही कुछ भी बना दिए उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है कि कोई भी पंडाल में अच्छा थीम होता है, मतलब कुछ नॉलेज वाला ही थीम होता है, जिससे इंसान पूजा भी घूमे और नॉलेज भी गेन करे, जो कि आजकल नॉलेज का बहुत ज़रूरत है सबको। और ये आपका सेकेंड पंडाल है, फर्स्ट पंडाल में आप लोगों को दिखाई, ये सेकेंड पंडाल भी बहुत ही मस्त बना है, बहुत ही मस्त, बाहर से इतना मस्त एकदम मतलब गार्डन टाइप का है, अब अंदर जाके पता नहीं कैसा होगा, मैं दिखाती हूँ अंदर से आप लोग को। तो बस अंदर हम लोग एंट्री किए, ये आपका थीम है जो गांव होता है ना प्रॉपर, वो गांव पे है। तो मतलब जो बंगाल में यहाँ पे गांव होता है आपका, बिहार में भी होते ही है इस टाइप का। तो जो ऊपर में कुछ भी हैंग किया रहता है, लालटेन रहता है और फिर जो लकड़ी का चूल्हा पे खाना वगैरह बनता है, ऐसे हर जगह दिया वगैरह जलते रहता है, तो उस थीम पे ये बना हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इस बार पता नहीं, मैं बंगाल में देख रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइप का थीम पे ही ज़्यादा बन रहा है कुछ, मतलब ये क्या बोलूँ मैं इसको, जूट वगैरह, फिर ये जो पुआल ना क्या बोलते पता नहीं, इस टाइप का बहुत सारा बना हुआ है यहाँ पे। देखिए इस टाइप से बिहार में मतलब जो गांव होता है आउटर साइड, गांव तो सबका ही होता है, एक बिहार क्या हर जगह होता है, बंगाल राजस्थान से कहीं भी बोलो गांव तो होता ही है। तो इस टाइप से खाना वगैरह बनता है वहाँ पे, तो उसी थीम पे ये पंडाल बना हुआ है। মহাপনা পরিকল্পনায় সুব্রত দাস অলোকে রাজু अगर अच्छे से घुमा जाए
तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट इतना लंबा लाइन, इतना भीड़ में घुसना सबसे बड़ा काम होता है। तो एक एक पंडाल में अगर ज़्यादा भीड़ है तो एक एक दो दो घंटा लग जाता है एंट्री होने में। तो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहता है तो मैं वहाँ पे नहीं जाती, मैं सोचा चलो दूसरे में चली जाती हूँ, कभी होगा तो घूम लूँगी। तो बस हम लोग यहाँ पे एक एक पंडाल एक एक करके घूम रहे हैं। तो एक पंडाल में बहुत लंबा लाइन था, तो मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लंबा भीड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो नहीं गई, वहाँ से निकल गई। अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं थर्ड पंडाल, जो कि हम लोग का यहाँ पे रथखोला बोलते हैं, जो कि बहुत फेमस है। जो मतलब यहाँ के होंगे उनको पता है कि हाँ रथखोला का पूजा बहुत फेमस होता है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा। तो आज तो फिर भी थोड़ा भीड़ कम है, तो इतना वो नहीं लग रहा है। ये तो मतलब जूट से आपका बना हुआ है, और हम लोग को देख के ऐसा लगता है हाँ चलो पंडाल बना है जूट का है, बट जो बनाता है, जो कारीगरी करता है, उन लोगों को समझ में आता है कितना मेहनत और कितना टाइम लगता है। पैसा देना कोई बड़ा बात नहीं होता, बट जो मेहनत करता है इस चीज़ के लिए, एक एक चीज़ उसको हम लोग बस आँख से ऐसे नॉर्मली देख लिया हाँ बस ऐसे बना है वैसे बना है, बट मैं क्या बोलूँ, जो करता है मेहनत उसका तारीफ करना चाहिए कि वो कितने मेहनत से वो चीज़ किया है। तो हर कोई का रिस्पेक्ट होना चाहिए। मैं तो जब भी कोई पंडाल देखती हूँ, जब भी कोई वैसा कारीगरी कला देखती हूँ, ऐसे भी बंगाल में कारीगरी कला तो सबसे ज़्यादा फेमस है, बंगाल का लोग इस चीज़ में सबसे आगे होता है कोई भी चीज़ कला में कारीगरी में, तो मेरे मन में आता है कि कितना मेहनत से वो कारीगर बनाया होगा। और यहाँ पे भीड़ देखिए, कितनी भीड़ में हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग के साथ दो दो व्रती भी हैं जो कि अष्टमी का व्रत किए हुए हैं, तो उन लोग तो बाहर का कुछ नहीं खा सकते, तो हम लोग सोचे चलो उन लोग के लिए हम लोग चाय पी लिया जाए। तो कहीं अच्छे से सिर्फ चाय वाला स्थान दिखेगा तो वहाँ पे चाय पिला देंगे और फिर पी भी लेंगे चाय। तो देखिए कितना मस्त कारीगरी ये लग रहा है जूट का आपका, बहुत ही मस्त लग रहा है। और इसको खोलने में कितना मतलब दर्द होगा ना, कि इतना मेहनत से बनाओ उसको फिर खोल के हटा भी दो। तो बाहर निकले तो कुल्हड़ का चाय मिल रहा था, तंदूरी चाय, जो कि बहुत मस्त लगता है तंदूरी चाय, बट मुझे हर जगह का तंदूरी चाय पसंद नहीं आता है। और पूजा में मैं सच अपना मतलब अपना बात मैं बता रही हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं सर हिलाए तो मतलब वीडियो बंद करना, नहीं कुछ और बात हो रहा था उस पर मैं सर हिलाई यहाँ पे। तो मैं यही बात बोल रही हूँ कि पूजा का पता नहीं कोई भी खाना मुझे इतना पसंद नहीं आता, बिकॉज शायद उन लोग क्वान्टिटी में पहले से बना के रखता है कि क्या रखता है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। जो कि नॉर्मल डेज में खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जो सैलेड होता है खीरा टमाटर गाजर स्प्राउट्स वगैरह का, वो बहुत टेस्टी लगता है। मैं पूजा में स्पेशली वही खाती हूँ, बट इस बार वो इतना अच्छा और हर जगह नहीं दिख रहा था मुझे, तो फिर उतना नहीं खा पाने। तो जब भी निकलते थे बाहर वही खाते थे हम लोग। उसके बाद बस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से चाय वगैरह पीने के बाद। तो हम लोग ये आए आपका फोर्थ पंडाल में। माँ हम और ये बम्बू वगैरह का बना हुआ है, ये भी बहुत ही मस्त बना है, देख सकते हैं आप लोग। बट इस बार बंगाल में हम लोग का हुआ है कि मतलब थोड़ा सिमिलर टाइप का ज़्यादा हो गया है। हाँ थीम अलग है, बट मतलब क्या बोलूँ, कला कारीगरी ये सब सब सिमिलर हो चुका है। तो हम लोग बस आ गए यहाँ पे आपका उत्तरायण में, जो कि एक सोसाइटी है आपका, ये बहुत मतलब बहुत बड़ा सोसाइटी है, छोटा सोसाइटी नहीं बोलेंगे, बहुत ही बड़ा सोसाइटी है आपका ये। यहाँ पे मतलब पूजा बहुत मस्त होता है, बहुत मस्त। और ये यहाँ का मतलब जो सबसे बड़ा खासियत क्या है कि यहाँ पे एक फूडिंग सेंटर बनता है जो कि बहुत ही अच्छा रहता है, और ऐसा रहता है कि आप जो भी खोजेंगे खाने के लिए वहाँ पे आपको नॉनवेज में मतलब जैसे KFC हो, डोमिनोज का पिज़्ज़ा हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी रेस्टोरेंट, चाहे कुछ भी खाना हो, हर कुछ यहाँ पे मिलता है। इसलिए सबसे बड़ा यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होता है, उत्तरायण में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। आप लोग भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ हुआ है। और ये मैं बोल रही हूँ बहुत बड़ा सोसाइटी है, ये मतलब बहुत फेमस सोसाइटी है हम लोग के यहाँ का। और ठीक बगल में ही मतलब इसके अंडर में ही आपका सिटी सेंटर भी आता है, उत्तरायण के अंडर में ही आता है सिटी सेंटर, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी आपका NUTIC के अंदर में, तो इसलिए बहुत बड़ा। और यहाँ पे भी जूट, और ये देखिए मशरूम वगैरह है, कुछ कुछ पानी का चीज़ है जो कि मुझे नहीं पता है, सीप वगैरह टाइप का है। और फिर यहाँ पे अखरोट, जायफल, फिर इन
ये सब सी चीज़ से भी कारीगरी किया हुआ है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और फिर जो हम लोग बोलते हैं नेनुआ, जो नेनुआ का अंदर का जो ड्राई पड़ जाता है वो है, उससे भी बना हुआ है। फिर नारियल का जो छिलका होता है उससे बना हुआ है। ये सब बहुत कुछ लगा है इस पंडाल में, बहुत ज़बरदस्त बना है। मैं देवर घूम के आए थे तभी बोल रहे थे कि ये यहाँ का पंडाल बहुत ही मस्त बना है, तब से मेरा मन हो रहा था कि नहीं बार घूम के आया जाए कैसा है। और ऐसे तो हम लोग का नंबर वन तो इंस्टीट्यूट होता है, इस बार पता नहीं कौन सा होगा, मुझे नहीं पता, जहाँ पे हम लोग इवनिंग वॉक करने जाते हैं वहाँ का सबसे नंबर वन होता है। तो बस हम लोग यहाँ से निकल के एक और जगह चाय पीने, उन लोगों को चाय पिलाना है तो चाय पिया जाए। सो गाइज मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और नौमी का ब्लॉग मैं कल शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, कल का ब्लॉग का वेट कीजिए, तो मैं ज़रूर जल्दी से शेयर करूँगी।